राधिका मर्चेंट, कियारा आडवाणी, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, इन सब की शादी में क्या कॉमन चीज रही? आप सोच रहे होंगे, डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, खाना, गेस्ट लिस्ट, वेन्यू या फिर सजावट। नहीं, आप गलत हैं। इन सबकी शादी में एक महिला कॉमन रही, क्योंकि कहा जाता है कि उस महिला का काम कोई और नहीं कर सकता। सेलिब्रिटीज के पास अलग अलग डिजाइनर और अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन इस काम के लिए सिर्फ यही एक महिला रहती हैं। यह महिला अपने काम के लाखों में पैसे लेती हैं। इनका काम है साड़ी ड्रेप करने का, यानी साड़ी पहनाने का। नाम है डॉली जैन। गूगल पर अगर आप डॉली जैन साड़ी ड्रेपिंग से सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कमाल का काम करती हैं। आज इनकी ही बात करेंगे हम। पिछले कई दिनों से इंडिया में एक कीवर्ड बना हुआ है, अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट मैरिज, जो आज डॉली जैन पर बात करने की सबसे बड़ी वजह भी है। शादी में किसने क्या पहना है, इस पर कई लोगों की नजर होती है। अमीर लोगों की शादी में पहने गए कपड़ों पर खबरें तक बनती है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में घर वालों ने जो कपड़े पहने, उनकी भी चर्चा है। खास तौर पर नीता अंबानी, उनकी बेटी ईशा अंबानी और राधिका मर्चेंट की साड़ी की काफी चर्चा है। यहीं पर एंट्री होती है डॉली जैन की, जिन्हें साड़ी एक्सपर्ट भी कहा जाता है। डॉली की शादी एक साधारण परिवार में हुई थी, वहां उन्हें रोज साड़ी पहननी पड़ती थी सासू माँ के आदेश पर। उनके मुताबिक साड़ी पहनने में उन्हें 45 मिनट लगते थे। वो परेशान हो गई थी, लेकिन रोज रोज सासू माँ से कौन अड़े, सो डॉली चुपचाप साड़ी पहन लेती थी, इस उम्मीद में कि एक दिन उनकी सासू माँ उन्हें कुर्ता पहनने के लिए कहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे क्या हुआ वो भी बताएंगे, लेकिन आप अभी नीता अंबानी को ये इस साड़ी में देखिए जो डॉली ने उन्हें पहनाई है। ये उनका लेटेस्ट काम है, मतलब अभी अभी इंस्टाग्राम पर फोटो डली ही है। इस फोटो के कैप्शन में लिखा है डिजाइनर का नाम और साथ में लिखा है ड्रेप बाय डॉली जैन। पहले लड़कियां साड़ी पहनने के लिए मम्मी, मौसी, चाची के पास जाती थी, फिर धीरे धीरे पार्लर में जाने लगी, मेकअप कराने लगी, फिर लहंगा भी और साड़ी भी वहीं पहनने लगी, क्योंकि कपड़े के हिसाब से ही मेकअप होता है। इसी से डॉली के दिमाग में भी साड़ी ड्रेप करने का आइडिया आया। इंडियन आइडल 13 सीजन में डॉली को बुलाया गया था। इसमें उन्होंने बताया कि वो हाउसवाइफ से आर्टिस्ट कैसे बनी, या यूं कहें कि प्रोफेशनल साड़ी ड्रेपर कैसे बनी। उन्होंने बताया कि उन्हें साड़ी से नफरत हो गई थी, रोज रोज साड़ी को देखकर उन्हें गुस्सा आता था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जैसा उनका हाल है वैसा और लोगों का भी होगा, इसलिए उन्होंने पहले अपनी नफरत को आर्ट में बदला और फिर प्रोफेशन में। अब डॉली 18 सेकंड के अंदर साड़ी पहन लेती हैं और पहना देती हैं, वो भी अलग अलग तरीके से। सेलिब्रिटीज के बारे में कहा जाता है कि आमतौर पर वे अपनी ड्रेस रिपीट नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। हाल फिलहाल में इस राय को तोड़ा है आलिया भट्ट ने। आलिया ने जो साड़ी पहनी अपनी शादी में, उसे उन्होंने दोबारा नेशनल अवार्ड के फंक्शन में भी पहना था। दोनों ही बार डॉली ने उन्हें ये साड़ी पहनाई थी। डॉली का दावा है कि वो एक साड़ी को 325 तरीके से पहना सकती है। उनका कहना है कि जरूरी ये नहीं है कि वो साड़ी को 325 तरीके से पहना सकती है, जरूरी ये है कि वो एक कपड़े को 325 दिनों के लिए तैयार कर चुकी हैं। आलिया के मामले में उन्होंने ये करके दिखाया है। इंडियन आइडल सीजन 13 में डॉली ने कहा था, औरतें कुछ भी कर सकती हैं। मैं जब साड़ी ड्रेपिंग का काम शुरू कर रही थी, तब लोगों ने कहा था कि मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, साड़ी पहनाकर कोई पैसा कैसे कमा सकता है, लेकिन आप आज मुझे देखिए। उन्होंने लोगों को साड़ी पहनाने में मदद करना शुरू किया और धीरे धीरे उनका ये हुनर बन गया। उन्होंने कहा, मैं एक शादी में दुल्हन को बहुत भारी दुपट्टा पहनाने में मदद कर रही थी। उसी समय डिजाइनर जोड़ी अबू जानी संदीप खोसला के संदीप खोसला ने मेरा काम देखा। वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मशहूर हस्तियों को मेरी सिफारिश करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैं श्रीदेवी को साड़ी पहन रही थी और उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरी उंगलियों में जादू है, तो मुझे इस खास काम को एक पेशे में बदलना चाहिए, तो यह विचार पहली बार मेरे दिमाग में आया। अपने 15 साल के करियर के बारे में बात करते हुए डॉली ने कहा, मैं किसी को भी साड़ी पहनाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। हर महिला मेरे लिए एक सीख थी, क्योंकि उनकी साड़ी की बनावट और पसंद अलग अलग थी, और यहाँ तक कि कपड़ा भी अलग था। सब कहते हैं कि एक महिला को खुश करना मुश्किल है, और मैंने हर बार ऐसा किया है। मैं पिछले 15 सालों से हर रोज़ सुबह एक मैनिकन पर साड़ी पहनाने का अभ्यास करती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे एक गायिका रियाज करती है। जैन के पास साड़ी ड्रेप करने की कई तरकीबें हैं। आमतौर पर डॉली 35,000 रुपए से 2,00,000 रुपए के बीच एक साड़ी ड्रेपिंग का चार्ज करती हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि डॉली एक बार एक डेस्टिनेशन वेडिंग में गई थी।
थाईलैंड में वो दुल्हन को लहंगा पहना रही थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि दूल्हे की लंबाई दुल्हन से ज़्यादा है, इसलिए दुल्हन को दूल्हे के साथ मैच करने के लिए हील्स पहनानी पड़ेगी। लेकिन हील से लहंगा छोटा लगेगा, इसलिए डॉली ने किसी कांजीवरम साड़ी ली, उससे छोटी प्लीट्स बनाई और दुल्हन को लहंगे के नीचे पहना दिया ताकि प्लीट्स लहंगे में एक परत जोड़ दें और लंबाई बढ़ा दें। कुछ साल पहले डॉली तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता को भी लहंगा पहनाने गई थी, लेकिन डॉली को अंदर अपना सामान ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। उनकी लाइफ सेफ्टी पिन पर आपत्ति जताई गई। इस किस्से के बारे में डॉली बात करते हुए कहती हैं, मुझे उन्हें बताना पड़ा कि उनकी साड़ी के लिए सेफ्टी पिन की जरूरत है। मैं सेफ्टी पिन से किसी की हत्या नहीं कर सकती। एक बार मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डॉली के बारे में कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़े सुंदर दिखें और आप स्लिम दिखें, तो डॉली आपके लिए सबसे सही लड़की है। डॉली के जीवन का एक ही मिशन है, युवा पीढ़ी के बीच साड़ी को लोकप्रिय बनाना। डॉली कहती हैं, साड़ी पहनना एक भारतीय कला है जो लुप्त होती जा रही है। मैं अगली पीढ़ी को, जिसे कभी साड़ी पहनना नहीं सिखाया गया, उसे नियमित रूप से साड़ी पहनाने वाले लोगों में बदलना चाहती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि उनके पास जो कुछ भी है उसे साथ ले आओ और फिर मैं उन्हें साड़ी पहनाना सिखाती हूँ, चाहे कैनवास के जूते हो या अपनी पसंदीदा गुची का बेल्ट। साड़ी किसी के साथ भी पहनी जा सकती है। डॉली का अपना एक YouTube चैनल भी है, यहाँ उनके 8 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इस पर वो अलग अलग तरीके से साड़ी पहनना सिखाती हैं। डॉली एक किताब पर भी काम कर रही हैं जिसमें साड़ी पहनने की विभिन्न शैलियों को दिखाया जाएगा। तो ये थी आज की खबर, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं हूँ मनीषा, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।